जरा मुश्किल है, पेचीदा नहीं है तरीका, ये पसंदीदा नहीं है। सभी हालात का रोते हैं रोना, मगर कोई भी संजीदा नहीं है। इकोनॉमी है कि संभल नहीं पा रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं तो प्यारा लग ही रहूंगा। आप हमारी जान बन गए हैं वासे भाई, जान भी गए हैं पाकिस्तान में, तो आप ही का जिक्र हुआ है। क्या बात। हाँ जी, लेकिन इन्होंने अकल उकल नहीं है। फाइव स्टार होटल च गए ने ते लिफ्ट शीशे दी वेख के कहंदा ओ एड्डे वड्डा ओवन। फाइव स्टार होटल च गए ने ते उन्हें पूछा की लेना है, कहंदा यार बाहर गर्मी बड़ी, अंदर साह लेना है। एक बारी फाइव स्टार होटल च स्टे करके गए ने, वापस घर गए ने ते उन्होंने वाजिया ने इस्तकबाल किया, खानदान चो पहला बंदा जिहड़ा फाइव स्टार होटल गया। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? कहने कमरे का किराया चढ़ दे यार। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी है पंजाब असेंबली के अंदर, मोहम्मद तौफीक भट्ट। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरे मेहमान, जिन्होंने आया और पढ़ा हुआ है लेकिन अब कर रही है मॉडलिंग और ब्लॉगिंग, मोहतरमा महा जराल। वेलकम टू द शो जी। आज तौफीक भट्ट साहब आए हैं जबकि गवर्नमेंट में हैं, और एक शेर भी बड़ा प्यारा लाया जी मैं आपके लिए। अच्छा जी, भट्ट साहब के काम आई है बड़े दिनों के बाद जितनी थी तौफीक। वाह, हमारे मेहमान बनकर आए हैं गुजरांवाला के हम जोली, जब भी सामने होते हैं हंसते खेलते आते हैं, हंसते खेलते जाते हैं, जाते हैं। मेरे शहर दे मेरे वीर जी, इन लिए शेर कहांगा कि हरजन जेड़े हीरे हुंदे ने, हरजन जेड़े हीरे हुंदे ने, अंदरों भावे चीरे हुंदे ने, लोकी लख पे आखन शरीक, लोकी लख पे आखन शरीक, जग तो सोने वीरे हुंदे ने। जो मिला फौरन खा गए हैं, दुश्मनों के दिलों में भी समा गए हैं। जितनी लोड शेडिंग हो रही है तौफीक भाई, यकीन हो गया है हम पुराने पाकिस्तान में आ गए हैं। खाली होता तो मैंने इसको मार देना था। अच्छा साहब, ये मैं देख रहा हूँ पहली बार आप हुकूमत में आने के बाद हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या चेंज महसूस कर रहे हैं? चश्मा लग गया सर। हाँ, ये वैसे ये क्या बड़ी इंटेलेक्चुअल लुक आपने बना ली है साथ ही? वो तो जब मैं आपके मुज़ाकरात के प्रोग्राम में आना शुरू हुआ था ना, तब मैं यंग सा था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चश्मा लग गया। अच्छा, यानी कि 10 साल हो गए आपके पास आते हुए माशाल्लाह। ये इन सारे चेहरों को देख के बड़ी खुशी होती है, आपका बड़ा शुक्रिया। मगर ये एनके क्यों लग गई आपको? उतार देते हैं अगर कहते हैं, कोई इतनी बात नहीं। आपको मतलब मैंने कहा कोई कोई आपकी नजरें कमजोर एकदम हो गई? नजरों नहीं, वैसे हमजा भाई ने कहा कि हूटर वाली गड्डी च बैठना ते ऐनक लाउणी। देखो हमजा साहब बैठ गए, हम ही बैठे हुए हैं, कोई फिक्र वाली बात नहीं। अच्छा, वो हमारे साथ पूछा, हमारे भाई हैं, लीडर हैं, वो वजीर आला बन गए हैं, बल्कि वो तो खुद अपने आप को खादमे आला कहते हैं, और जो वजीर आजम बने हैं वो अपने आप को खादमे पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा, वो तो शोधों की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो आवाम की इनकी खिदमत करने के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये खिदमत भरपूर तरीके से करेंगे,
और अपनी सबका जो रवायत है उनको आगे बढ़ाएंगे। अपनी सबका रवायत को आगे बढ़ाएंगे, खिदमत की रवायत। अच्छा, खिदमत वाली क्लियर कर दें। लेकिन यार कि तुसी आवाम दी खिदमत करनी है, अपने घर वालों की नहीं। घर वालों को जाके पूछ लो, उन्होंने कदे भी नहीं कीती। नहीं, मगर वैसे मैं देख रहा हूँ कि लुक आज आपकी डिफरेंट है और एक बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट लग रही है, तो ये क्या हुकूमत में आने के बाद होता है भट्ट साहब ऐसा? नहीं नहीं, हुकूमत के आने के बाद नहीं, वैसे ही अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। अपोजिशन में भी मुश्किलात भी इसी तरह काटते रहे हैं। नहीं नहीं, अब हुकूमत में आए हैं तो आपको तो लग रहा है ना हुकूमत में आ गए हैं। सबसे पहले तो ये जो न्याजी साहब हैं, इन्होंने मुश्किल डाली हुई थी अदमे इत्माद का, आपको पता जो हालात हुए। बिल्कुल। उसके बाद ये आ गए हमारे स्पीकर असम्बली जो है, उन्होंने जो क्या किया नेशनल असम्बली गए, फिर सूरी साहब जो आ गए उन्होंने क्या किया, उसके बाद अलवी साहब माशाल्लाह सदरे पाकिस्तान, वो भी गवर्नर के मामले में देख लें, फिर उमर चीमा साहब आ गए उनके मामले में देख लें, अब परवेज राय साहब ने फड्डा डाला हुआ है। आवाम की खिदमत हमें करने नहीं दे रही है। ओए, 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 हम तो चाह रहे हैं अद्वियात फ्री हो। हाँ जी। पिया साहब के लिए ग्रीन आटा सस्ता हो, ग्रीन हो गया, ग्रीन आटा, वो ग्रीन थोड़ा बनाया ना हमने, थोड़ा भी ग्रीन कर दिया, 90 रुपए का वो आटे का थैला, वो हम सस्ता कर रहे हैं, चीनी सस्ती हो, अच्छा बजट पेश करना चाह रहे हैं जो हमें पेश नहीं करने दे रहे। अभी आईनी उद्योगों को गैर आईनी तरीके से ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये कामयाब हो जाएंगे। इसमें आप सब करने जा रहे हैं सस्ता, आपने बताया आटा है उसके अंदर है, चीनी है होगी सस्ती, पेट्रोल बिजली वो महंगी। पेट्रोल बिजली वाला जो मामला है ना, वो पिछली हुकूमत ने इतना खराब कर दिया, इन साढ़े तीन चार सालों में इन्होंने जो वादे किए हुए हैं पाकिस्तान की हुकूमत के तौर पे, अब क्या करें, मजबूरी है। अब सारी अवाम बाशऊर है, उनको पता है कि जो पिछली गवर्नमेंटों ने वादे आईएमएफ से किए हुए, हम तो जब गए थे तो हम तो आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म करने जा रहे थे, ये आए इन्होंने दोबारा फिर आईएमएफ में चले गए और वो आज तक हम सारी अवाम भुगत रहे हैं। आप उम्मीद रखें, जब पिछली दफा हम आए थे, शिबाशी साहब आए थे, मियां नवाशी साहब आए थे, तो लोड शेडिंग का क्या हाल था, वो मुस्लिम लीग नून ने खत्म की थी, और फिर भी उन्होंने की थी। और भी ये जो महंगाई का तूफान आपको नजर आ रहा है, साबका हुकूमत का किया धरा है, ये इंशाल्लाह ताला पिया साहब आपको यकीन दिलाते हैं और आपको भी सबको यकीन दिलाते हैं, ये इंशाल्लाह महंगाई का तूफान थमेगा और इंशाल्लाह ताला आवाम को सस्ती चीजें मिलेंगी। आपकी जिंदगी बहुत है अभी माशाल्लाह, अभी तो आप 19 साल के हैं, ज्यादा उम्र हो, हुकूमत ताड़ी होर 50 साल चले जनाब। तो दिल जीतने का तरीका था, वहाँ आपके क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपने? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? देखा हुआ है। तो यू हैव एन आईडिया? या आई हैव एन आईडिया। आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा? तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने के बाद तो बड़ी एक और टाइप की स्टडीज हैं, यू नो, इफ वन गोज टुवर्ड्स दैट साइड, तो क्या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था या जस्ट यू जस्ट जनरली वांटेड टू नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इंटरनेशनली? बस आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग, लेकिन पॉलिटिक्स में अब जाके इंटरेस्ट काफी होने लग गया पढ़ने के बाद से। अच्छा। जो करंट सिचुएशन आ रही है मुल्क में उसको देख कर तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के तो बहुत ही रिलेशन खराब है, बाकी सब पाकिस्तान के बहुत खराब है। तो आपके ख्याल से सही कैसे होंगे? ये तो हुकूमत पर डिपेंड करता है। कौन सी वाली? जो पिछले तीन चार सालों में इन्होंने हालात खराब होते हुए देखे ना, ये फरमा रही है ना कि इंटरनेशनल सारे हम रिलेशन जो है खराब किए हैं, हम तो अभी आए हैं ना, जिन्होंने खराब किए उनकी बात कर रहे हैं। मैं भट्ट साहब ने पूछा, मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़िया? कहते पहले मेरी मैट्रिक तो क्लियर हो जाए। अच्छा, तो आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? अभी जाके डेवलप हुआ है। अभी जाके? कितना वर्षा पहले हुआ ये? इट्स बीन लाइक 3-4 months जब ये इमरान खान वाले धरने वगैरह सब चल रहे। अच्छा, तो उस वक्त 3-4 महीने में आपकी पॉलिटिकल जो है? तब मैं इतना फोकस नहीं करती थी पॉलिटिक्स वगैरह पे, पर जब मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब मसले ही मसले हैं। अच्छा, मसले ही मसले हैं। कौन से वाले नैरेटिव पे यकीन करती हैं, जो पीटीआई का था या जो इन लोगों का है? To be very honest, मैं तो PTI वाले पे ही PTI वाले पे यकीन करती हैं। ओए होए, भट्ट साहब, इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। वो वाला ये अभी इनको सिर्फ 3 माह हुए इंटरेस्ट हुआ है। हाँ जी। तो हुआ भी इनको इसी बात पे है कि जो ये इसने एक बनाया नारा कि साजिश हो गई है बाहर से, कोई किसी किस्म की
साजिश नहीं हुई थी, ये एवं साहब का हुकूमत बरगला रही थी इस तरह की बच्चियां हैं नहीं जो पढ़ी लिखी माशाल्लाह जो शौक रखती हैं आ रही हैं, इनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्लियर करता हूँ, इनके बरगलाने में ना आए। इन्होंने पिछले 3-4 साल में अवाम को पहले ख्वाब दिखाया था कि नया पाकिस्तान बनेगा। हाँ जी। अगर नया पाकिस्तान आपको कहीं नजर आया तो आप इन पे गौर करें। इन्होंने ये फरमाया था हम अवाम को खुशहाल कर देंगे, 4.5 साल में इन्होंने अवाम को बदहाल कर दिया। आपको ये हम तो कायल कर सकते हैं, माशाल्लाह पढ़ी लिखी है। आप बताएं उनको कि कोई इंपोर्टेड साजिश नहीं थी, जो भी थी अंदर से ही किया। इंपोर्टेड वाला लेकिन ये कि एकदम से लाइट्स बिल्कुल नहीं होती हमेशा, आप देखें सब कुछ एक चेंज हो गया। हाँ। वोटिंग सिस्टम जो था वो ऑनलाइन था वो भी खत्म हो गया। मैं पूछ रहा था मैं क्या लोड शेडिंग का तो रही कहते बस इमरान हाँ। खान ट्रांसफार्मर नाल ले गए। नहीं नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये चेंजेस कर दिए हैं, मगर आप इंपोर्टेड वाले उससे एग्री नहीं करती हैं। मुझे उस पे इतना सच बिलीव नहीं है। आपको क्या लगता है क्या हुआ? मुझे ऐसे लगता है कि बस कुछ नाहेलियां थी। अच्छा वेरी गुड। बस हो गया। नाहेलियां थी और ये इंपोर्टेड हुकूमत वाला तो खैर कुछ नहीं है। इंपोर्टेड हुकूमत ने जो भी किया अंदर से किया ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के बीच इन्वॉल्व कर रहे हैं तो पाकिस्तानियों को तो वैसे ही एक तरफ लगा दिया जाए कि हाँ हाँ नहीं ये गलत। बट सब ये उनको यकीन आ गया कि बाहर वालों ने कुछ नहीं किया अंदर वालों ने किया। अगली भी हमारी बात इनको यकीन आ जाएगी। वो कौन सी वाली यकीन आ गया? अगली बात इंशाल्लाह कि हम खिदमत करेंगे, खिदमत करेंगे, काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। फिर इन जैसे जो लोग हैं जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो शौर रखते हैं वो इंशाल्लाह अगले 6 माह में ये नहीं कहेंगे हम पीटीआई की तरफ हैं, इंशाल्लाह आपको ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करता है हम उसके साथ हैं, फिर इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। और सवाल आप पूछना चाहती हूँ भट्ट साहब से अपनी कंफ्यूजन मजीद क्लियर करने के लिए? मेरी कंफ्यूजन तो सिर्फ ये है कि अगर ये सब कुछ नहीं था, मतलब जैसे ये नून लीग की हुकूमत आई है उसके बाद ये सबकी बेल होना क्यों शुरू हो गई, ये सबके मसले एकदम से खत्म कैसे हो गए? कोई भी नहीं खत्म हुआ अभी। अच्छा एक और बात आपकी बात में से मैं बताना चाहता हूँ, जितनी दफा मैं इनके प्रोग्राम में आया हूँ उतनी दफा मुझ पर एक पर्चा हुआ है, अभी तक सारे पर्चे कहे। शनासाई हुई जाया फिर उम्र की कमाई हुई, जो भी महंगाई मिटाने आया उसके ही दौर में महंगाई हुई, कम ना हो पाया मुआशी बोहरा और ना पूरी ही तबानाई हुई। हाय हाय आ। वेलकम बैक जी रुकमा। सर ये बताएं शबाशिफ साहब ने जो रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी कि वो ₹2000 जो है वो फैमिलीज को देंगे, तो आपको ये नहीं लगता कि बजट थोड़ा सा कम है? हमारे वो लोग जो मुलाजमत करते हैं या गरीब तबका है उनके लिए ये फैसिलिटेट किया गया है, ₹2000 पेट्रोल जो महंगा हुआ है उसके मतलब ये सहूलत दी गई है कि जो लोग सुबह ऑफिस जाते हैं उनको पूरे मंथ में 2000 ज्यादा पड़ेगा या 1000 ज्यादा पड़ेगा, वो उनकी इमदाद की गई है। लेकिन बाकी जो दीगर और जो सब्सिडीज दी जा रही हैं आटे पे दी जा रही है, चीनी पे वगैरह पे, अब घी पे भी देने की प्रोग्राम है, अद्वियात पे भी, वो अलग पैकेज होंगे, ये सिर्फ पेट्रोल का पैकेज है। जो बड़ी गल है मैं तो अपना घर शुरू कराता 2000 दे चक्करां च, प्लाट ले लिया 2000 दे चक्करां च, दो कनाल का तो पहले हैगा सी फिर ने की कर। 2000 मंथली है कि डेली है? मंथली है। वो 2000 पे काफी मीम्स देखे थे ना, 2000 रुपए दिए उसमें बहुत कुछ आ सकता है। डॉलर का रेट क्यों बढ़ रहा है तो दसो जरा। दो चीजा बढ़ रही ने, एक डॉलर बड़ा बढ़िया है ते एक जनाब आ बालर बड़ा वधिया। बॉलर को ना नहीं डरे जिन्ना बॉलर को डरे हुए ने। नहीं बॉलर को नहीं डरे हुए, हम तो बाउंसर मारने वाले हैं। वो जो आगे से आता है ना बाउंसर उसको की हुक कहते हैं, वो छक्के वाले शिवाशरी में बाउंसर पे छक्के मारेगा इंसान। मोड़ी 4 साल तक इन्हें बाउंसर वजने के तुसी पैदल भी जाने थे हलमट पा लेंगे बाउंसर खा के सारा जरा ना साड़ा चेहरा जख्मी हो गया, मगर असि फिर भी अवाम की खिदमत करांगे करांगे करांगे। अच्छा बाकी सब ठीक है, मगर वहां कॉन्स्टेंटली फंसी क्यों जा रही है इनकी बातें? ये क्या बात हुई? आपको कोई सीरियसली लग रही व्हाट्सएप की बातें? नहीं नहीं
क्यों? मतलब कुछ कुछ बातें फनी है बीच में. फनी क्या बात थी? मतलब कि बॉलर से हम डरे नहीं टाइप सा. अच्छा, डॉलर और बॉलर का जो मुवाजना इन्होंने किया उस पे आपको आपकी बात दिल को लगी उनके? अभी जैसे पुराना पाकिस्तान अब आ गया हमारे पास, तो आप अपनी अहम जिंदगी का फैसला पुराने पाकिस्तान में करना चाहती थी कि नए पाकिस्तान में? बारे में तो मैं यही कहूंगी कि पुराने में और नए में सिर्फ फर्क इतना लाइट नहीं है, बाकी फैसला रोशनी में करना पसंद करूंगी मैं जरा थोड़ा सा. और लाटा जलाओ जी, फैसला हो जाएगा. नहीं, एक जिंदगी का अहम फैसला होता ना, जिंदगी का हीरो आपका, जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करती हो, सामने बैठा हो, बातें कर रहा हो. ये ना हो कि अपनी जिंदगी का फैसला करूं उधर से धरना हो जाए, मेरा फैसला भी उधर ही रह जाए और मैं दुल्हन की दुल्हन बनी रह जाऊं, तो ये सब मैं नहीं चाहती. लेकिन कभी सोचा इस बारे में कि ऐसा मेरा आइडियल होना चाहिए? तो कोई होता ना बंदे का आइडियल, हर उम्र के साथ मेरे चेंज होते रहे माइंड. बचपन में सोचती थी ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा, अब मैं सोचती हूँ होना ही नहीं चाहिए. अब होना ही नहीं चाहिए. इसको देख के उन्होंने कह दिया होना ही नहीं चाहिए. होना नहीं चाहिए मतलब आप शादी ही नहीं करेंगे कि अरेंज मैरिज कर लेंगी? नहीं, शादी तो करूंगी. कैसा शख्स होना चाहिए, दिखता कैसा हो, बिजनेस क्या हो? बस अच्छा हो, और तो मतलब अच्छे तो सब होते हैं. इस बारे में इतना नहीं सोचा मैंने, बस चेंज होता रहता माइंड. बताया तो है, ये कितने अरसे बाद अमूमन आपका माइंड चेंज होता है? ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर कोई 2 साल बाद में दो साल बाद होता कि है. नहीं नहीं, अब मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. आखिरी जो 2 साल पहले था वो किस किस्म का विजन था आपके जहन में? तब मैं छोटी थी ना, तब अच्छा. मैं ये सोचती थी कि नहीं बस अभी अब छोटी हूँ, 180 साल दे हो गए. I mean, तब मैं इमेच्योर थी. ठीक है, अब आई एम मैच्योर, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडली होना चाहिए, आपकी कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, ये चीज मैटर करती है. बाकी ये नेचर वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टैंडर्ड्स तो इंसान खुद सेट करता है. ठीक है, मैं ये सोच रहा था आप तो रिश्ते कराने वालों का दफ्तर बने हो, अपने बेटे का रिश्ता करना है, मेरा भी देख लें कहीं कोई. आप बता के जाएंगे तो बड़ा माशाल्लाह पूरा सवाल करते हैं कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए. ये तो फूड के मेंबर हो जाए, तुम बेटे के रिश्ते कह रहे हो, अगर मिनिस्टर हो जाओगे तुझे मेरा जहन चेंज होगा, मेरा रिश्ता लगे. नहीं नहीं, पता मैं वो पास में माड़ा वा जरा. Great, how are you? You know, last night I was in a hospital. Why? दो दिन बाद कर गया. ठीक है. उसे जाके मैं बच्ची बाली है, बच्ची बली नहीं. Okay. You know, काचवाज जी उन जी वजह चो ना सारी वायरिंग ही सड़ गई. ठीक है. सारी रात मैं उसे गर्मी दे विच सुता रहा. ठीक है. उसके बाद मैं बेहोश हो गया. बेहोश हो गया. यस, वो फिर मैंने मल्ले वाले चौके हॉस्पिटल ले गए. ठीक है. उसे जाके तो मैंने उन्होंने ड्रिपा लाइया 200-300. प्रोग्राम मिलता 12,000 रुपया. वो फिर मैं 2 महीने का बिल कट्ठा जमा करांदा सा 3200 रुपया. ठीक है. इमरान खान की हुकूमत खत्म होने पर रो रहा है तो मुझसे क्या मांगेगा फिर? हमसे तो वो मांगेगा जो उसकी हुकूमत खत्म होने पर हंसेगा. आप ऐसा करो, गुजरे वाले में आ जाना, आपको मैं तार ले दूंगा. तार क्यों ले गए? उन्हें कपड़े सुखने पड़ने. वायरिंग ऐसी होगी कि लोड शेडिंग नहीं होगी. तार महबूब लीडर नवाज शरीफ के गले कदे ने आज मैं ला जानी टोपी तुम्हारे. आई लव मिस्टर नवाज शरीफ साहब. ले जानी है क्योंकि हुकूमत तुम्हारी तुम्हें लोड ना है. ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ, ओ वोटां पा के ते वडे मियां सब नु बुलाओ. मियां दे नाल बने नहीं दोबारा लाने नहीं. ओ वोटां पाओ, शबाश नु सब को बुलाओ. हम जा शबाश शरीफ की बड़ी मुबारक हो जी आपको, वो भी सीएम हो गए. सच्ची गल है, आज मेरे को कोनी हूं. वेलकम बैक टू मुज़ाकरात. महा, आपको ये ब्लॉगिंग वगैरह और मॉडलिंग तक की का शौक है या एक्टिंग का भी आपको है? एक्टिंग का भी है. तो आप क्या आगे एक्टिंग भी करना चाहेंगी? यूनिवर्सिटी जैसे कंप्लीट हो जाएगी, मैं ट्राई तो करूंगी, हो जाएगा. और आपके कोई हैं फेवरेट एक्टर्स वगैरह? बहुत सारे हैं, जैसे मुझे सबा कमर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है. ठीक है. शी इज वेरी प्रोफेशनल. आपने देखी वो घबराना नहीं फिल्म उनकी सबा जी की? इतना देखती नहीं, लेकिन जो देखती हूँ वो जैसे बागी ड्रामा, वो मैंने पूरा देखा था, बहुत अच्छी एक्टिंग थी.
मेरे पास तुम हो वो भी मैंने देखा था. क्या कहा आपने? मेरे पास ड्रामे के नाम में तुम हो. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. घबराना नहीं, ये फिल्म है. जी जी फिल्म है. मैं ये समझा था जो कहते थे घबराना नहीं है, आजकल सारे घबराए हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं आप. जो बात होते ना घबराना नहीं, तो हमारा उस तरफ ध्यान चला जाता है जो कहते थे घबराना नहीं. लेकिन आगे बच्चों 300 रुपए का पेट्रोल हो रहा है, आपने घबराना नहीं. काम हो रहा है इस पे है ना माशाल्लाह. बरसा दसो 2000 दा 4000 कर देंगे, घबराना नहीं आप. छोटे मियां साहब हुण वड्डे मियां साहब पीएम ने ना छोटे मेरे देने चोई वड़े मियां साहब ने जेडे पीएम दी कुर्सी ते बैठे होन. ओके. मैंने कहा ने यार निर्गोली व्हाट्स गोइंग ऑन. अच्छा. मैं कहा सर व्हाट्स गोइंग ऑन. कहंदे ने 5:30 बजे दी मीटिंग कॉल कीती है. हां. एक बंदा भी नहीं आया. ओ मैं कहा सर ओ तुसी लाहौर कॉल कीती होई है. हां. बैठे तुसी इस्लामाबाद हो. ओए होए. मैं कहा सर सीएम शिप दिमाग चो कड्डो. ओए तुसी इस्लामाबाद है के तुसी हुन पीएम हो. हां. कहंदे ने यार मैं फटाफट इलेक्शन करा के ना. हां. बस मैं सीएम बन गया. मैंने बता क्यों. मैं क्या सर मैं सीएम थोड़े कोल बैठा हैगा, मैं पीएम हाउस दे विच बैठा. हां. मैंने पता तुसी इस्लामाबाद हो. ते कहंदे ने मेरे कोल आज नहीं जल्दी मुमकिन हो सकदा. ठीक है. पहुंचे हम मारे हैं मैं सलूट. ठीक है. मैनू कहंदे ने की हालात चल रहे ने. हां. मैं क्या सर बिजली पूरी आ रही है. कहंदे ने 24 घंटे. हां. मैं क्या नहीं सर 220 वोल्ट. हां. मैं क्या 4 घंटे रही है लेकिन आप पूरी रही. अच्छा. हां. मैंने कहंदे ने वेरी गुड चलो पूरी तो आ रही है ना. हां. पेट्रोल देखी हालात ने. हाँ. मैं क्या सर वाह रुपया. कहने ने किस तरह. मैं क्या कोई पुआ ही नहीं रहा. मैं क्या सारे सफर कर रहे हैं सर तुसी बेफिक्र हो जाओ. हाँ. कोई सानू टेंशन नहीं है. कहने ने चलो अच्छा गल तो टोरी पई है फिर एक एक कप चाह होर पीने. ठीक है. इहदा मतलब काम मुतमइन है. ठीक है. अचानक चुके चाह पान लगा. हाँ. चाय किलर एंटर हो गए ने. चाय किलर एहसन इकबाल साहब. कहंदे ने नहीं जी एक कप पियो दो कप ना पियो. ठीक है. मैंने भी इंज करके मना कर दिता ने. मैं कहा सर क्यों दो कप नहीं पीन देंदे. कहंदे ने गल ये भी लोकी दो कप चाह दे पींदे ने गर्मी पहले हैगी है इन्हों दे दिमाग नू गर्मी चढ़ जांदी गुस्सा आ जांदा है. हाँ. फिर बहुत बुरा भला कहंदे ने. ओ माशाल्लाह है ना प्रवेश भट्ट साहब. इना प्रवेश भट्ट नहीं अपना अपना तौफीक भट्ट साहब. मेरे बैठन गुजराले तो. हाँ. इस वारे 3 एमपी दी सीटां तो लड़ रहे ने ते एक एमएलए दी सीट तो लड़ रहे ने. ना करे दित्ती ने दरखास्त. मेहनत कर रही है सर. अच्छा. सोशल मीडिया ही करके कैप्चर कर ले. ओए, ओए, ओए. जिस रहना ने गुजरांवाला कैप्चर कर ले. अच्छा. कहीं ते जाओ ना. अच्छा. मेरे बेस्ट फ्रेंड ने सर जी नवी तस्वीर में दे दियो. ऐनक ला के पा के. ऐनक ला लो सर. अच्छा लो जाओ. नहीं, जो ना ऐनक लाओ सर. पता है क्यों आपको कहा मैंने ऐनक उतार के. मैं ला लेना सर. ये पा लो क्योंकि बाकी रह गए 6-7 महीने. उस तो बाद नए वाले मंगणगे फोटो. असल च मैं भी हूं इस वे सोशल मीडिया से फुल एक्टिव है जी. आपको पता है. हां जी हां जी हां जी. बड़े जे मैं अपने थाने च एकदम वाह मुजरम इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहने दे 5-500 कहो यार यूपीएस लवाना. सारी जिम्मेदारी मेरे ते आ गई. अगो मैं इन्हां ते पाना चाहना. अच्छा. कितों
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी, आवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फहीम। मेरा क्वेश्चन तौफीक भट्ट साहब से है। सर, हम आपको टिकटॉक पे बड़े ज़ोक शोक से देखते हैं और आपके टिकटॉक भरपूर अंदाज में फॉलो करते हैं। मेरा सर आपसे क्वेश्चन ये है कि आप इतने टिकटॉक बनाते हैं, क्या आप किसी फिल्म एक्ट्रेस के साथ टिकटॉक बनाने का इरादा रखते हैं? ये मुझे वैसे इल्म नहीं है कि इतना मैं पॉपुलर हूँ टिकटॉक पे। ये तो सबसे पहले जब मैं आया था आपके इस प्रोग्राम में तो चौधरी साहब ने मुझे कहा था आप टिकटॉक या किसी और सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो उस वक्त मैंने यही कहा था मुझे नहीं पता। इनकी निशानदेही पे फिर मैंने जो हमारा सेक्रेटरी वगैरह होते हैं उनको मैंने कहा था यार जरा बनाना टिकटॉक, वो पॉपुलर हो गए तो आपका शुक्रिया। तो अदाकारी वाली जो बात है वो तो हो नहीं सकती, इतना टाइम नहीं होता, मगर मैं दुआ गो हूँ आप लोगों के लिए जो अदाकारी में शौक रखते हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे, इनको कामयाबी दे। लेकिन सर टिकटॉक दे भाई तुसी इन्ने टोगे जे तुसी मर्दां दे हरीम शाह जे इस टाइम। मुझे सिर्फ उसकी वो एक टिकटॉक है जिस जो पांव से उसने दरवाजा खोला था। तो आप किस दिन करें ना ट्राई जाके प्राइम मिनिस्टर? नहीं, प्राइम मिनिस्टर से नहीं, हम तो दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसका दरवाजा उसने खोला था उसकी बात कर रहे हैं। वो वैसे फॉरेन ऑफिस था मेरे ख्याल से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फॉरेन ऑफिस के अंदर गई थी यार था वो टिकटॉक पे। हाँ तो वो आप किस दिन करें ना बिलावल साहब के दफ्तर जाएं, इस तरह जाके आप भी ढाकर खोलिएगा। आपने कहा मैंने निशानदेही की थी और आपने उसके बाद टिकटॉक बना डाला, उसके बाद बनाया। तो सर मैंने तो और भी बहुत सी निशानदेही की है, आपने वो काम नहीं किए। सारे दिन थोड़े मन नहीं आने गल जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अस्मा और मेरा क्वेश्चन तौफीक भट्ट साहब से है। एक्चुअली सुनने में ये आ रहा है जैसे कि पेट्रोल और डॉलर की प्राइसेस जो हैं बहुत ऊपर जा रहे हैं और नियरली अब सुनने में ये आ रहा है कि ये 300 जो है वो क्रॉस कर जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल और डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो कब नीचे आएंगी? डॉलर तो इंशाल्लाह ताला मैंने बताया नहीं पहले, डॉलर भी नीचे आएगा और भी चीजें नीचे आएंगी। पेट्रोल का नहीं कह रहा, सबसे नहीं कह रहा, पेट्रोल भी आ जाएगा इंशाल्लाह। मान गए हम यूसी ना गया तुसी मुझे लगता बढ़ेगा। तो हमारा सेगमेंट है 2020 का, सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा आपको, वहां उसके अंदर से अपने जवाब चूज करने, कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। तो आपसे पहले स्टार्ट करें, व्हाट्सएप क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ने भी कहा कि पहले वहां से स्टार्ट करना है। ओके, वहां एक बायोग्राफी पढ़ना लाजमी है, किसकी होगी वो बायोग्राफी? इनमें से ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब आसिफ जरदारी, जनाब अल्ताफ हुसैन और जनाब नवाज शरीफ, तो किसकी पढ़ना चाहेंगे? अल्ताफ भाई, अल्ताफ हुसैन की। ठीक है, ये बताएं आपका बैंक अकाउंट किसी वजह से बंद हुआ हुआ है और आपको रात को डिनर पे जाना है, अब आपने किसी एक को साथ लेके जाना है क्योंकि बिल इवेंचुअली उन्होंने ही देना होगा, इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव डिनर, तो किसका आप इंतखाब करना चाहेंगी उस डिनर के लिए? ऑप्शंस हैं शेख रशीद साहब और हमजा शहबाज साहब। शेख रशीद। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और फयाजुल हसन चौहान। बड़ा मुश्किल ऑप्शन है। आप जनरल नॉलेज पे तो नहीं जाना चाहेंगी? नहीं, मौलाना फजल रहमान है ना। ठीक है, बिल्कुल। टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब उस्मान बुज़दार। शहबाज शरीफ। ओए होए होए, क्योंकि टाइटैनिक ने डूब जाना है ना उसके बाद। लो ये पक्की है, पक्की पीटी आई थी। अच्छी बात है, जा रही थी आपने, क्यों बीच में कूदे भट्ट साहब? डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अकरम उदास और तौफीक भट्ट साहब। नहीं, मैं नहीं लेंदा जी। तौफीक भट्ट साहब, आपका फैसला? भट्ट साहब क्या बात है आपकी, बचेंगे तो लीडर को बचा लेंगे ना डूबने से टाइटैनिक में। शुक्रिया, समझदार है भट्ट साहब, आपकी बारी है अब। बायोग्राफी आपने भी पढ़नी है, मुझे क्यों पता है बायोग्राफी की है। इसी शख्सियत की लाइफ स्टोरी है, आपने वो किताब पढ़नी है, किसकी वो किताब पढ़ना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और अजमा बुखारी। अजमा बुखारी, अजमा बुखारी की। ठीक है, गुड।
आपका भी अकाउंट बंद हुआ हुआ है, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि बिल तो आखिर में उन्होंने ही देना है। मेरा अकाउंट पक्की गल बंद है। जदों दे जाएंगे तरीन साहब आए ना, इन्होंने अकाउंट बंद करते अपने। ले फिर आपने किसको साथ लेके जाना है, क्योंकि बिल वो देंगे। ऑप्शंस हैं जनाब मिफ्ता इस्माइल और जनाब ख्वाजा आसिफ। बिल उन्होंने देना है। इन दोनों से तो कोई भी नहीं देना। मैं सोच ही पया ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब होंगे वो, है ना। तुम छेड़ो यार उनको। बताएं अपने पार्टी के किस लीडर के बयान पर आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे, किसके बयान पर पहले थोड़ी कहेंगे कि मैं तहकीक कर लूं, और किसके बयान पर आप कहेंगे कि यार उनकी क्या देता जे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब तलाल चौधरी, जनाब आबिद शेर अली और जनाब खुरम दस्तगीर। तो किसके बयान पर आंखें बंद करके यकीन करेंगे? माना बहुत तहकीक है आपकी, इनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा तो फिर मैं प्रायोरिटी या वो खुरम दस्तगीर। खुरम दस्तगीर के बयान पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया। ये बताएं किसके बयान पर कहेंगे कि थोड़ी रिसर्च कर लूं यार मैं जरा। रिसर्च करने वाली बात जो है ना वो तो फिर मैं आबिद शेर अली साहब। आबिद शेर अली की। और जो आखिरी स्टेटमेंट है वो है कि उनकी क्या देता जे, वो तलाल चौधरी। बस वो मेरा बड़ा उन्होंने मोहब्बत प्यार है, ये तीसरा नाम उनका लिख लें वो माइंड नहीं करेंगे। बस ठीक है, तलाल चौधरी साहब हो गए वो। ठीक है सर, ये बताएं फिर जरा, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। जो डूबने शुभने वाली बात ना हो तो फिर तो अब्बासी साहब, और अगर डूबने वाली बात हो तो कोई भी और डाल ले नाम जो उनसे मर्द डाल दे। मैंने दो आपकी पार्टी के नाम से जो भट्ट साहब है ना, हिना परवेज साहब हमारी एमपी है, हमारे साथ ही उधर असेंबली में होती हैं, इनका लिख लें फिर कोई बात। ये बता दे फिर जरा, आप भी चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट के अंदर बैठ के, किसी एक को अपने साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे और आप वापस आ जाएंगे, किसको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान। दोनों ही हमारे काबिल एहतराम है। हुन। बड़ा जहांगीर तरीन साहब लिख रहे हैं। अच्छा जहांगीर तरीन साहब। चले फिर आखिरी सवाल पे आ जाएं। डूबती कश्ती, दो लाइफ जैकेट, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? तो ऑप्शन दूं आपको फिर? नहीं नहीं नहीं, जनरल नॉलेज पे नहीं जाएंगे ना? नहीं नहीं, सोच ले। नहीं जाएंगे, मैं चाय पीना शुरू कर दूंगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और दू अगली पता तो लग गई, माफी ना मांगना थल्ले हो गए। चले मैं ठीक है आपके लिए आसान करता हूँ, आसान कर। मैं दूसरी ऑप्शन ही नहीं दे रहा हमजा शहबाज साहब के बाद, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन फ्लिप कर देता हूँ आपके लिए आसान तरीन। मुझे ये बताएं, हम सब सुनते हैं आईएमएफ आईएमएफ, मुझे आईएमएफ बता दें किस चीज का मुखफ्फ है? पता था वैसे मुझे। मुझे पता है, आपको पता है, आपके लिए आसान कर दिया है। बताएं सर आईएमएफ बताएं और जान छुड़ाइए हमजा शहबाज और डूबती कश्ती। था बिल्कुल डूबती कश्ती वगैरह मैंने बताना नहीं है। अब आप मुझे उसी सवाल पे आ जाएं दोबारा। यार देखिए जरा, हमजा शहबाज साहब और मोहतरमा मरियम नवाज, इस सवाल का जवाब नहीं मैं दे सकता। आईएमएफ का चले बता दें, वो मुझे पता है, मैंने वो बताना नहीं। आईएमएफ आप कह रहे हैं आपको पता है, आपने बताना नहीं है, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज दूसरा मुझे पता है आईएमएफ का, तो वो बताए ना। बताना नहीं है यार, वो छेड़ है साड़ी आईएमएफ। मगर भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वहाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों, बेस्ट ऑफ लक।